Hello friends, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss 25 questions of English aptitude which are solely on the pattern of CIL 2022 examination. Okay, so I'll be starting now with question number 1. We at Tutelage Academy, we are putting effort to provide you the model question paper for all the technical sections, and for technical, that is HR part, you are welcome to join our course on Tutelage Academy applications, right? So with this, चलिए start करते हैं question number 1 से. और again I will repeat, English में and reasoning में, इन दोनों में at least आप target कीजिए कि आप 25 out of 25 questions आपको correct करना है. All the questions you have to do correctly. आप यही target कीजिए, इसी target को लेकर के हमें चलना है. जो भी questions concern आपको पता हो उसको कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली, इफ यू आर लाइव तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते चलिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स एन एरर. कौन सा पार्ट में एक एरर है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन से पार्ट में एरर है? एक सेंटेंस है पूरा, द स्टूडेंट्स वेर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, या फिर नो एरर, कोई भी एरर नहीं है. यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर बी. क्यों यहाँ पे ऐसे वन टाइम समझ नहीं आता कि एक्चुअली कोई एरर है, बट ये जो वर्ड है अवेटिंग के साथ फॉर यूज नहीं होता है. अवेटिंग के साथ आप डायरेक्टली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हो. द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, है ना. वी राइट इट लाइक आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई. वेटिंग फॉर की जगह हम अवेटिंग का यूज करते हैं. आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई. We do not use for after awaiting. ठीक है, फिर जैसे ये भी कह सकते हैं we were awaiting the results of our actions, the results of our effort, या action. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम awaiting के साथ for कभी भी use नहीं करते. I was waiting for your reply, that is okay, but awaiting के साथ for use नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी मस्ट फाइंड द एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड. हाइलाइटेड वर्ड का एंटोनिम फाइंड करना है ऑपोजिट. वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ड्स. तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजलेस. कि हमें बहुत ज्यादा ये नीड ऑफ द टाइम है कि वर्ड कितने ज्यादा यूजलेस है, हम इसे रियलाइज करें. एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 करेक्ट एज वेल. ऐसे लॉजिकली भी हम इसे सोचेंगे तो हमें लगेगा कि इट्स एक्चुअली वॉर्स आर यूजलेस. ठीक है, इनसे बस डिस्ट्रक्शन होता है. तो वी हैव टू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस. फ्यूटिलिटी मीन्स यूजलेस, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुलनेस. ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंज इन करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम S1 टू S6. S1 पहला सेंटेंस है, S6 लास्ट सेंटेंस है, और बाकी बीच के ये 4 सेंटेंस है जिसे आपको अरेंज करने हैं प्रॉपर ऑर्डर में. सो स्टेटमेंट 1 इज एन एल्डरली लेडी सडनली बिकम ब्लाइंड. एक लेडी थी, शी बिकेम ब्लाइंड. उसके बाद क्या हुआ लास्ट में देखिए, द लेडी सेड दैट शी हैड नॉट बीन प्रॉपरली क्योर्ड बिकॉज शी कुड नॉट सी ऑल द फर्नीचर. चलिए इसके हम बाद में आते हैं. उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? एट लास्ट वाला स्टेटमेंट तो नहीं होगा. ठीक है, और ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड ये भी नहीं आ रहा है. तो इसके बाद पी और आर में कोई हो सकता है. तो डॉक्टर अचानक से डॉक्टर आ गया. आगे देखते हैं, सी अग्रीड टू पे अ लार्ज फी टू द डॉक्टर हु वुड क्योर हर. तो इसके बाद लॉजिकली ये करेक्ट लग रहा है कि उसने अग्री किया कि जो भी डॉक्टर होगा उसको वो ज्यादा पैसे देगी, अच्छे पैसे देगी जो उसे क्योर कर देगी, है ना. तो उसके बाद फिर एंड देन वी विल मूव टू पी, या फिर आप शुरू से पढ़ते हैं सारे सेंटेंसेस. द डॉक्टर कॉल्ड डेली एंड एवरी टाइम ही टुक अवे सम ऑफ द फर्नीचर ही लाइक. तो डॉक्टर जो है वो हर दिन उसके पास आता था उसे चेकअप करने के लिए, और हर दिन कुछ ना कुछ फर्नीचर वहां से लेके चला जाता था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्यू और एस, दो स्टेटमेंट बचा है. एट लास्ट शी वॉज क्योर्ड एंड द डॉक्टर डिमांडेड हिज फी, एंड देन ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो द रीजन. वो पहले डॉक्टर फी डिमांड करेगा, तभी तो फी ओल्ड लेडी रिफ्यूज करेगी, राइट.
अब क्या हुआ कि वो फर्नीचर बार बार ले जाता था, उसके बाद लेडी हमारी क्योर हो गई और डॉक्टर उनसे फी डिमांड कर रहा है। तो क्या हुआ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट इवेंट द डॉक्टर वाज रिफ्यूज्ड फी। तो डॉक्टर को, डॉक्टर वांटेड टू नो द रीजन कि भाई मेरा फी क्यों नहीं मिलता। तो लेडी क्या बोलती है, लेडी बोलती है कि सी हैज नॉट बीन प्रॉपरली क्योर्ड बिकॉज सी कुड नॉट सी ऑल हिज फर्नीचर। लेडी बोलती है कि मुझे, कि मैं तो पूरा क्योर हुई नहीं क्योंकि मुझे सारा फर्नीचर नहीं दिखता, इट्स अ जस्ट अ जोक। तो ये तो लास्ट स्टेटमेंट है, तो लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि आर पी क्यू एस हमारा करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज ही वॉज अनडिसाइडेड टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। ठीक है, तो द पर्सन वॉज अनडिसाइडेड। ओके, और इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जस्ट वेट, डू नथिंग एंड वेट, है ना, जस्ट टू बी इनएक्टिव, है ना, फीलिंग एवरीथिंग बोरिंग एंड डूइंग नथिंग एंड बीइंग इनएक्टिव वेटिंग फॉर सम थिंग्स टू हैपन, दिस इज व्हाट इज लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। राइट, तो इसका, तो इसे का अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर लॉइटर्ड अराउंड। लॉइटर्ड अराउंड का मतलब यही होता है कि कोई भी एक्टिविटी को अननेसेसरीली डिले करते रहना विद आइडल स्टॉप्स एंड पॉजेस, है ना, लेजिली किसी एक्टिविटी को डिले करते रहना, टू मूव स्लोली, है ना, टू मूव वेरी स्लोली, ये इसका मीनिंग होता है। लॉइटर्ड अराउंड का मतलब यही होता है, स्टेड आउट नहीं होगा, सैट अनमूविंग ये भी नहीं होगा, मूव्ड अवे भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा वो यही होगा, लॉइटर्ड अराउंड। ठीक है, हम लॉइटर्ड अराउंड को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अ गैंग ऑफ बॉयज वर लॉटरिंग अराउंड दी सिनेमा हॉल, है ना, सिनेमा हॉल के पास कुछ नहीं कर रहे थे, बस दे वर जस्ट वंडरिंग अराउंड, तो हम उसे भी लॉटरिंग अराउंड कह सकते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर। तो हम इस तरीके से ये जो आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू हम यूज करते हैं व्हेन वी आर वेरी एंग्री विथ एनीबॉडी। ठीक है, ही हैज अ बोन टू पिक विथ मी, दैट मीन्स ही इज एंग्री विथ मी एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी अबाउट इट। तो आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर, इसका मतलब हो गया कि आई एम एंग्री विथ यू एंड आई विल डिस्कस दैट विथ यू, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट एंड अबाउट इट नाउ या फिर लेटर। ठीक है, तो आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू डायरेक्टली इसमें आ गया, आई एम एंग्री एंड आई विल डील विथ यू ऑन दिस मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चेंज द स्पीच, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। ये स्टेटमेंट एक किसी बॉय ने अपने फादर को कहा है, तो हमें इसमें चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव। राइट, तो अगर प्लीज यूज होता है तो प्लीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज, और माई की जगह कौन सा वर्ड हो जाएगा, हिज, हिज हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी, कोई इसमें इशू है, कोई दिक्कत, करेक्ट, बिल्कुल सही है। ही टोल्ड हिज फादर, नहीं होगा। ही प्लीडेड हिज फादर टू इंक्रीज माई पॉकेट मनी, प्लीडेड फिर भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर मीनिंग है, तो बट यहाँ पे इंक्रीज माई पॉकेट मनी है तो ये गलत हो जाएगा। ही आस्क, नो, वेन एनी वर्ड लाइक प्लीज इज रिटर्न तो हम आस्क का यूज नहीं करते हैं, करेंगे रिक्वेस्टेड करेंगे, प्लीड भी कर सकते हैं बट नॉट दिस, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। महेश डिड नॉट हैव परचेज द बैग, दैट मीन्स महेश डिड नॉट हैव परचेज द बैग, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग बट ही परचेज्ड इट, इट वॉज नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग एंड ही हैज नॉट परचेज्ड, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग एंड ही हैज नॉट परचेज्ड इट, एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग बट ही हैज नॉट परचेज्ड इट। महेश, देखिए ऑप्शंस को देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले महेश डिड नॉट हैव परचेज द बैग, उसे ये बैग नहीं खरीदना चाहिए था। अगर हम कह रहे हैं कि महेश को बैग खरीदने की जरूरत नहीं थी, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स महेश हैज ऑलरेडी परचेज द बैग, महेश हैज ऑलरेडी परचेज द बैग। अगर हम किसी को ऐसे स्टेट कर रहे हैं कि तुम्हें ये सामान खरीदने की जरूरत नहीं थी, दैट मीन्स दैट मीन्स वो सामान ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। राइट, तो महेश हैज ऑलरेडी परचेज द बैग
और महेश की जरूरत, और महेश और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि महेश को बैग खरीदने की जरूरत एक्चुअली में नहीं थी, है ना, महेश को जरूरत नहीं थी बैग खरीदने की, बट उसने वो परचेज किया, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ये पॉइंट नंबर ए हमारा मीनिंग मैच कर रहा है, ही परचेज द बैग, ही हैज परचेज इट, नॉट परचेज इट वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधा, राइट। और यहाँ पे है इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर महेश टू परचेज द बैग, जरूरी नहीं था फिर भी उसने परचेज किया, तो पॉइंट नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो दिस सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक द ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस हाइलाइटेड फ्रेज इज रॉन्ग, और आपको करेक्ट फ्रेज यहाँ से चूज करना है। Which of the phrases given below each sentence should replace the phrase printed in bold type to make the grammatically incorrect statement correct? So, if you have told me about your problem, I would have helped you. है ना? अगर तुमने मुझे अपने problem के बारे में बताया होता, तो मैं तुम्हारी help करता। अगर तुमने मुझे बताया होता, तो if you would have told, है ना? क्या होना चाहिए इसका answer? Had you been told me about your problem, I would have helped you. या फिर had you told me about your problem, I would have helped you. हम इसे भी सबको consider करके देखिए, ठीक है? तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा? Correct answer इसका C नहीं, A होना चाहिए in fact. है ना? If you would have told me about your problem, नहीं sorry not A but D. D होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर वुड ऑलरेडी यूज हो चुका है, आई वुड हैव हेल्प यू, अगर तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो इफ यू हैव टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो अगर तुमने मुझे बताया होता, इफ यू हैव टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प की होती। तो दिस इज वॉट इज गोइंग विद दिस। इफ यू वुड दो बार नहीं होगा, हैड यू हैव टोल्ड यहाँ पर जो है वो दो बार ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, यहाँ से मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इफ आ जा रहा है तो सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, मीनिंग क्लियर हो जा रहा है। इफ यू हैव टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई वुड हैव हेल्प यू, तो पॉइंट नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो इच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप टू मेक द ग्रामेटिकली टू करेक्ट, ठीक है। यहाँ सेम क्वेश्चन है, ये जो फ्रेज है इसे हमें रिप्लेस करना है ताकि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। तो द इजिएस्ट ऑफ द थिंग टू डू इज टू आस्क द एड्रेस टू द पोस्टमैन। तो यहाँ पे वॉट इज द मिस्टेक इन दिस फ्रेज, द इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स होगा, है ना? The bravest of the things is to climb Mount Everest. अब ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ब्रेव चीजों में एक चीज है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। तो बहुत सारे easiest things में से एक चीज है कि पोस्टमैन से एड्रेस पूछना। The easiest of the things to do, is to ask the address from the postman. ठीक है? तो things to do, पॉइंट नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट? Next, question number 10 देखिए। In each of the question below, a sentence is broken into 5 or 6 parts. एक sentence है जिसे 5 या 6 part में यहाँ पे break किया गया है। Join these parts to make a meaningful sentence. आपको इसको join करके एक meaningful sentence बनाना है। तो at it take once away. क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे पहले broken pieces को हम जोड़ लेंगे। तो at once होता है। At once हम लिख सकते हैं। तो इट टेक अवे बचा क्या, इट टेक अवे, तो टेक अवे भी लिख सकते हैं। एक ब्रोकन पार्ट हमें टेक अवे मिला, एक एडवांस मिला, बचा क्या इट। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना कि टेक इट अवे एडवांस। इट कहाँ पर आएगा? इट यहाँ पर आ सकता है कि टेक इट अवे एडवांस, एक बार में ही इसे यहाँ से ले जाओ, टेक इट अवे एडवांस। दिस विल बी दी करेक्ट, दिस कैन बी अ करेक्ट ऑर्डर, राइट? टेक इट अवे एडवांस, तो हम इसे मैच करेंगे तो हमारा आंसर होगा टेक इट अवे 3-5-1-4, पॉइंट नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू स्मगल गुड्स इनटू द कंट्री
दे मे बी डैश बाय द कस्टम अथॉरिटी। अगर आप गुड्स को स्मगल करते हैं तो कस्टम अथॉरिटी आपके गुड्स को क्या करेंगे, कोजेस करेंगे, पनिश करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे या फिर फाइन करेंगे। कॉन्फिस्केट करना मतलब क्या होता है, सीज, सीज करना। तो अगर आप गुड को स्मगल करोगे तो ये जो अथॉरिटी है वो गुड्स को रखेगी तो नहीं, गुड्स को पनिश तो नहीं करेगी, गुड्स को फाइन तो नहीं करेगी, पर हाँ गुड्स को सीज कर लेगी, गुड्स को सीज करके अपने पास रख लेगी। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमूव माई फिट एज इट हैड गॉट स्टक डैश इन द मड, फेयरली, ग्रेटली, वाइडली, फर्मली। तो फीट को रिमूव करना बहुत मुश्किल था मड से, क्यों, क्योंकि वो स्टक हो गया था। तो इट गॉट स्टक फेयरली, फेयरली मतलब ठीक ठाक से, सुंदर, अच्छे तरीके से, तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। ग्रेटली महान तरीके से, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वाइडली, वाइडली का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। फॉर्मली, फॉर्मली मतलब स्ट्रांगली, स्ट्रांग होल्ड के साथ, ये बिल्कुल ऐसा हम फॉर्मली कह सकते हैं, स्ट्रांग होल्ड के साथ जो फीट है वो स्टक हो गया था, तभी तो उसे रिमूव करना डिफिकल्ट हो गया था, राइट। तो पॉइंट नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फेयरली यूज नहीं करेंगे, फेयरली एक अच्छी चीज के लिए यूज करते हैं। ही हैड अ फेयरली गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो फेयरली मीन्स समथिंग गुड, समथिंग इज इन बिग साइज और इन गुड वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। द थीफ डैश ऑल द मनी, मेड ऑफ विथ मेड गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेड ऑफ विथ। देखिए ये जो फ्रेज है मेड ऑफ विथ, इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब ये होता है टू टेक अवे, टू स्टील, टू टेक अवे, टू स्टील। ही मेड ऑफ विथ ऑल माई ज्वेलरीज, शी मेड ऑफ विथ ऑल माई ज्वेलरीज, तो मतलब कि वो मेरी सारी ज्वेलरी लेकर के चली गई, भाग गई, ठीक है। तो दैट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेड ऑफ। ये मेड ऑफ जो है वो मेकअप, मेकअप का पास्ट फॉर्म है मेड ऑफ, और मेड टू विथ मेड गुड ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा वो होगा मेड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड सिनोनिम मेहम, मेहम का सिनोनिम क्या होता है, मेहम का मतलब क्या होता है, मेहम मतलब बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर, एक्सट्रीम केओस, एक्सट्रीम केओस, ओके, डिसऑर्डर, वायलेंट, वायलेंट केओस, ऐसे हम क्या कहेंगे, हैवॉक, हैवॉक कह सकते हैं, सिनोनिम है। जुबिलेशन तो नहीं करेंगे, जुबिलेशन जब हम बहुत खुश होते हैं, सेरेमनी करते हैं तब होता है, एक्साइटमेंट भी नहीं, डिफीट भी नहीं, बस हैवॉक इज द करेक्ट, करेक्ट सिनोनिम फॉर मेहम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, अब सर्विलेंस, सर्विलेंस का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि किसी वर्ड की जो थोड़ी कंफ्यूजिंग स्मेलिंग होती है वो सारे ऑप्शन में रहते हैं और आपको करेक्ट चूज करना होता है। तो सर्वेलेंस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सर्वेलेंस का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, बी, राइट, बी होना चाहिए सर्वेलेंस। देखिए सर्वे, वी सर्वे से बनता है सर्वेलेंस, तो वी ई ही होगा, है ना, वी ई होगा, और वाई की जगह फिर आई एल एल ए एन सी ई कर दिया है, इसीलिए सर्वेलेंस होगा, होगा, ठीक है। वाई की जगह हम आई यूज कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। स्पॉट विच वन हैज ग्रामेटिकल एरर, इसमें आप बताइए प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसमें ग्रामेटिकल एरर है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ, या फिर नो एरर। सारे आंसर्स मैंने देख लिए हैं जो लोग लाइव हैं, इसका आंसर होगा जो ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ पर है ग्रामेटिकल एरर, इट इज मीक एंड हम्बल। देखिए व्हाट इज द लॉजिक हियर, अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस लोगों को पॉइंट आउट कर रहा है कि इट इज द मीक एंड हम्बल, इट इज द मीक एंड हम्बल, वो लोग जो कि मीक एंड हम्बल है वो वही लोग अर्थ को इनहेरिट करेंगे, वही लोग अर्थ को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इट इज मीक एंड हम्बल, यहाँ पर हम इसको एडजेक्टिव की तरह नहीं, हम यहाँ पे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं,
नाउन की तरह यूज करा है, तो नाउन की तरह यूज करने के लिए हमें यहाँ पर द लगाना पड़ेगा. इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ. इट इज द ब्रेव हु विल रिसीव द गोल्ड मेडल. इट इज द ब्रेव वन हु विल रिसीव द गोल्ड मेडल. तो यहाँ इट इज ब्रेव वन ही, इट इज द ब्रेव वन. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि द के थ्रू हम यहाँ पे लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इट इज द मीक एंड हम्बल. ओके, इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ, और इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ. दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है. देखिए, पहला अगर हम विदाउट द की तरह देखिए तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ. मतलब जो लोग अर्थ को इनहेरिट करेंगे उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो मीक और हम्बल है. ठीक है, लेकिन अगर हम द लगा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा कि जो लोग पहले से ही मीक एंड हम्बल होंगे वो लोग अर्थ को इनहेरिट करेंगे. बहुत सारे लोगों में से जो लोग सिर्फ और सिर्फ मीक एंड हम्बल होंगे वही लोग ही अर्थ को इनहेरिट करेंगे. ठीक है, ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चूज द फ्रेज दैट बेस्ट रिप्लेसेस द फ्रेज highlighted in the sentence correctly. ये पढ़ के तो नहीं लग रहा होगा, बट यस दिस इज रॉन्ग. और करेक्ट क्या होना चाहिए इसमें? He sent a word to me that he would be coming late. Answer why? Because हम A का यूज नहीं करते. He sent word, that's it. He sent word to me that he would be coming late. Boss sent word to me that he will be having a meeting tomorrow. I sent word to him that I will be coming late. I sent word to him that please prepare dinner for me. ठीक है, तो यहाँ पे A का use होता ही नहीं है. ये जो phrase है इसमें A नहीं आता है. मैंने उसे ये message भेजा है ना, तो message भेजने को sent word कहते हैं. तो just sent word, it is not sent a word. Is not in this phrase. This A has no role, no significance. He is sent word. If you are working, then maybe you would have heard it or used it that boss has sent word that he will be checking the progress of everybody. ठीक है, तो जो भी है तो sent word हम use करते हैं. Next question number 18 देखें. Choose the phrase that best replaces the highlighted word in the sentence correctly. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है. दिस इज इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू डैश टू मी नाउ. इफ यू, वो हेल्प नहीं होगा क्योंकि हेल्प के बाद टू नहीं यूज कर सकते. इफ यू हेल्प टू मी, तुम भी नहीं होगा. इफ यू वुड बी ऑफ हेल्प टू मी नाउ, ये सही लग रहा है. अगर तुम अभी मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा. तो आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू वुड बी ऑफ हेल्प टू मी नाउ, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है. पॉइंट नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. चूज द फ्रेज दैट बेस्ट रिप्लेसेस द फ्रेज हाइलाइटेड इन द सेंटेंस करेक्टली. यहाँ पे भी सेम है कि दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड. द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 आवर्स फॉर. 19 इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. 19 का आंसर क्या होगा? 4 घंटे से पुअर विलेजर्स वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हैव बीन का यूज होगा. वी विल यूज हैव और हैज बीन. तो विलेजर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? पुअर विलेजर्स हैज बीन वेटिंग और हैव बीन वेटिंग विलेजर्स के साथ व्हाट वी विल यूज? वी विल बी यूजिंग हैव. तो पुअर विलेजर्स हैव बीन वेटिंग इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सीता's heart dashed at the sight of beautiful diamond necklace. If a girl sees anything of diamond or any beautiful accessories, then what happens? The heart of the girl stops, slows, ran या leaped. तो हम यहाँ पे जो phrase है वो leap use करते हैं कि her heart leaped as soon as she saw the big diamond necklace. And her heart leaped as soon as she saw the good, saw the nice jewelry. ठीक है, तो heart leap होता है. heart के साथ अगर
आपका मन बहुत खुश हो रहा है तो वी यूज द वर्ड हार्ट लिफ्ट, नॉट स्टॉप टूट रहा है, हार्ट के साथ हम लिफ्ट ही यूज करते हैं. ओके, तो इसीलिए पॉइंट नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर, करेक्ट. ठीक, चलिए इसके बाद वी हैव वन स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन और वी हैव टू सॉल्व फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. तो कॉम्प्रिहेंशन हम एक बार थोड़ा सा दो मिनट पढ़ते हैं, ठीक है. वी विल गिव टाइम टू रीड इट. थोड़ा सा टफ कॉम्प्रिहेंशन है, इजी नहीं है, बट इट्स ओके. वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस. या वी विल टेक वन मिनट टू रीड इट नाउ. या सो वी विल स्टार्ट. देखिए क्या होता है कि इसमें जस्ट यही है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वो उनको बर्ड्स खा जाती हैं. तो कैटरपिलर्स के पास कोई वेपन नहीं होता, कोई क्लॉज नहीं होते, कोई जॉज नहीं होते, लेकिन वो लोग इवॉल्व किए हैं कि और भी क्या क्या मेथड्स है जिससे कि बचा जा सके बर्ड्स और रेप्टाइल्स से. ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग क्लॉज एंड जॉज, बट दे हैव डेवलप्ड देयर ओन मेथड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बर्ड्स और रेप्टाइल्स. और क्या है, अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द कैटरपिलर लिव्स एट एन अल्टीट्यूड ऑफ दिस मच इन हिमालयस. तो एक पर्टिकुलर कैटरपिलर स्पीसीज की बात हो रही है. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक प्रोमिनेंट कलर को, अपने बॉडी का कलर चेंज करते हैं, और जिससे कि इट यूजेस प्रोमिनेंट कलर टू इन्फॉर्म वुड बी प्रेडेटर्स ऑफ इट्स इनएडिबिलिटी. उस कलर से वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि दे आर इनएडिबल, हमें मत खाओ, वी आर नॉट एडिबल, वी आर इनएडिबल. इस तरीके से मे बी दे चेंज देयर कलर टू व्हाइट जिससे कि दिखे नहीं, या कोई और कलर. फिर इन दैट इवेंट एंड इन एक्सपीरियंस और एडवेंचरस बर्ड, ठीक है. अब क्या होता है कि बर्ड्स को पता है कि चलो मे बी दे चेंज देयर कलर टू ब्लू. अब बर्ड एक्सपीरियंस बर्ड को पता है कि ब्लू कलर के कैटरपिलर को नहीं खाना है, ठीक है. तो लेकिन अगर कोई इनएक्सपीरियंस या एडवेंचरस बर्ड आता है और वो उस कैटरपिलर को खा लेता है, ब्लू कलर कैटरपिलर मे बी, इट वुड सून आफ्टर, इट वुड प्रोबेबली सून इट प्रोबेबली वॉमिटेड सून आफ्टर एंड सब्सिक्वेंटली डिजीज फ्रॉम अटैकिंग सिमिलर स्पीसीज इन द फ्यूचर. तो कोई इनएक्सपीरियंस बर्ड आता है तो वो जो कैटरपिलर को खा लेता है और फिर वॉमिट हो जाता है, वॉमिट हो जाता है बर्ड को. तो इससे क्या होता है कि बर्ड को सिग्नल मिल जाती है कि कैटरपिलर को नहीं खाना है. तो इस एक कैटरपिलर के कारण, एक कैटरपिलर के कारण जितने भी बाकी के जो स्पीसीज होते हैं कैटरपिलर के, उसका फायदा हो जाता है. एक कैटरपिलर खुद को शहीद कर देता है बाकी सारे कैटरपिलर को बचाने के लिए, ठीक है. ये है जस्ट, अब देखते हैं द एक्सप्रेशन अदर्स इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स. यहाँ पर है हमारा अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स. देखिए ये सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट, डिस्पाइट का यूज कैसे किया हुआ है यहाँ पर. डिस्पाइट हैविंग नो मींस टू एक्टिवली डिफेंड देमसेल्व्स, डिस्पाइट का कैसे यूज होता है. डिस्पाइट में हम थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं कि डिस्पाइट बीइंग इल आई वर्क हार्ड, है ना, मैं बहुत बीमार थी तभी मैंने काफी मेहनत किया. तो वही डिस्पाइट हैविंग नो वेपन्स, डिस्पाइट हैविंग नो वेपन्स लाइक क्लॉज और जॉज, दे इवॉल्व अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स. उनके पास कोई वेपन नहीं था, फिर भी उन्होंने दूसरे मेथड का इजाद किया. तो डिटरेंट मतलब क्या होता है, डिटरेंट मतलब होता है समथिंग विच डिस्करेजेस, डिस्करेजेस, ठीक है. समथिंग विच स्टॉप्स, समथिंग विच स्टॉप्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स. तो वही सारी चीजें. तो अदर्स इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स मीन्स प्रिवेंटिव वेपन मैकेनिज्म विच स्केयर्स एवरीवन इक्वली वेल, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट विच इट इज एज इफेक्टिव एज समथिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन मेंशन इन द पैसेज, डिटरेंट्स दैट आर एज पावरफुल एज दोस द कैटरपिलर्स हैव. उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ना, दे हैव नेवर्थलेस इवॉल्व अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स. इक्वली वेल मतलब कि उनके दो, उनके पास क्लॉज नहीं है, जॉज नहीं है, लेकिन उसी के बराबर का उन्होंने एक एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ना, इसी के बराबर का उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है. मैकेनिज्म विच स्केयर्स एवरीवन इक्वली वेल, पॉइंट नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है. फिर एक्सपीरियंस बर्ड्स डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर बिकॉज, जो भी एक्सपीरियंस बर्ड्स होते हैं वो हिमालयन कैटरपिलर को अटैक नहीं करते हैं. क्यों, क्यों? देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है इट यूजेस प्रोमिनेंट कलर टू इन्फॉर्म वुड बी प्रेडेटर्स ऑफ इट्स इनएडिबिलिटी. और इनकेस इनएक्सपीरियंस्ड आ जाता है तो खा लेता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो उसे कलर के थ्रू पता चल जाता है कि इनएडिबल है. एडिबल मतलब क्या होता है, एडिबल मतलब जिसे खाया जा सके,
और इनएडिबल मतलब जिसे नहीं खाना है। तो कलर के थ्रू कैटरपिलर इन्फॉर्म करता है एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स को कि हमें नहीं खाना है, और अगर इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग तो अगर इनएक्सपीरियंस्ड होता है बर्ड तब वो खा करके वॉमिट करता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे होगा एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर बिकॉज दे आर इनएडिबल, क्योंकि वो इनएडिबल होते हैं, बर्ड्स को पता होता है कि भाई वॉमिट हो जाएगा इसलिए वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट 23 सही होगा ये। द हिमालयन कैटरपिलर यूजेस प्रोमिनेंट कलर टू, हिमालयन कैटरपिलर जो होते हैं वो प्रोमिनेंट कलर यूज करते हैं ताकि एक्सपीरियंस बर्ड्स को पता चल जाए कि उन्हें नहीं खाना है, दे आर इनएडिबल, राइट। टू वॉर्न द प्रीडेटर, अटैक द प्रीडेटर, रिवील इटसेल्फ, डिफेंड इटसेल्फ। अटैक करने के लिए तो नहीं, प्रोमिनेंट कलर वो क्यों यूज करते हैं। गोइंग बैक टू द पैसेज अगेन, इन द इवेंट इट यूजेस प्रोमिनेंट कलर टू इन्फॉर्म द प्रीडेटर ऑफ इट्स इनएडिबिलिटी। प्रीडेटर्स मतलब जो बर्ड और रेप्टाइल है वो, तो बर्ड और रेप्टाइल को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम इनएडिबल है अपने कलर के थ्रू, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, दे आर वार्निंग द प्रीडेटर दैट डू नॉट ईट मी बिकॉज ऑफ दिस कलर, बिकॉज इफ यू विल ईट मी यू विल वॉमिट, है ना। तो अगर जो इनएक्सपीरियंस होता है उसे पता नहीं होता, वो खाता है वॉमिट कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वार्न द प्रीडेटर। नेक्स्ट 24 देखिए, कैटरपिलर कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज, कैटरपिलर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दे आर पैसिव एनिमल्स, दे आर लेजी, दे कैन नॉट एक्वायर वीकंस, दे हैव नो क्लॉज और जॉस। तो एज पर पैसेज क्या है, दे हैव नो क्लॉज और जॉस, है ना। पैसेज में तो यही लिखा है कि वो खुद को डिफेंड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल से लड़ने के लिए उनके पास क्लॉज और जॉस नहीं होते, तो वो लोग अपना अलग मेथड इजाद किया है, है ना। दे हैव नो मिस टू एक्टिवली देमसेल्फ विद वेपन लाइक क्लॉज और जॉस, तो इसीलिए उन्होंने दूसरा मेथड इजाद किया है। तो आवर आंसर विल बी दे हैव नो क्लॉज और जॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, अ मार्टियर इज वन हु डाइज। तो क्या होता है, जब भी कोई इनएक्सपीरियंस बर्ड आता है तो कैटरपिलर का कलर से उसे समझ नहीं आता, तो कोई एक कैटरपिलर को खा लेता है और वॉमिट कर देता है, और जिस कैटरपिलर को वो खाता है वो मार्टियर होता है, क्योंकि उसके बाद बर्ड को समझ में आ जाता है कि कैटरपिलर को नहीं खाना क्योंकि इसके खाने से वॉमिट होता है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिस, अ मार्टियर इज वन हु डाइज विदाउट पुटिंग अप रेजिस्टेंस, विदाउट एनी गेन टू वनसेल्फ, व्हाइल डिफेंडिंग वंस होमलैंड टू सेव अदर्स। हु डाइज टू सेव अदर्स, करेक्ट। वो क्यों मर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों को बचा सके, बाकी के जो कैटरपिलर्स हैं उनको वो सेव कर सके, इसीलिए ही पुट्स हिमसेल्फ टू डेंजर, राइट। तो विदाउट पुटिंग अप रेजिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं है, विदाउट एनी गेन टू वनसेल्फ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मार्टियर जो है वो दूसरों को बचाने के लिए शहीद होता है, राइट। तो व्हाइल डिफेंडिंग वंस होमलैंड, यहाँ होमलैंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बाकी कैटरपिलर्स को बचाया जा रहा है, इसीलिए आंसर होगा टू सेव अदर्स, राइट। सो विद दिस वी हैव सॉल्व 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एप्टीट्यूड, एंड आई होप यू लाइक द सेशन, एंड कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कीजिए, और विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।